नमस्कार, आज 19 मार्च की दिन भर की खबरों के साथ मैं हूँ रिजवाना तबस्सुम। पहले खबर लोकल स्तर से। बीकापुर के SDM रवि प्रकाश श्रीवास्तव ने तहसील सभागार में सरकार के एक साल पूरे होने पर LED TV से कार्यक्रम का प्रसारण करवाया। चित्रकूट जिले में खेती की रखवाली करने गए किसान की धारदार हथियार से हत्या करके शव नदी में फेंक दिया। चित्रकूट जिले में मूल्यांकन कार्य के दूसरे दिन हाई स्कूल की 2794 व इंटर की 1462 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हुआ। जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी के स्थानांतरण के बाद विभागीय अधिकारी व कर्मचारियों ने विदाई दी। कुछ खबरें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जगत से। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल द्वारा पंजाब के पूर्व राजस्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया से माफ़ी मांगने के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी दोफाड़ हो गई है। यूपी सरकार का एक साल पूरा होने के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि कामकाज के मूल्यांकन के लिए एक साल पर्याप्त नहीं है। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के चलते मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश नहीं हो सका। सदन में तेलुगु देशम पार्टी और AIADMK सांसदों ने हंगामा किया। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने अपने पति और राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के एक केस में दोषी करार देने पर टिप्पणी की है। राबड़ी देवी ने कहा है कि वह कोर्ट के फैसले का सम्मान करती हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।